यूनिक मामा ऑफिशियल अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए हमारे पास कितना फ्रेश धनिया है। माशाल्लाह सर्दियों का धनिया देख के दिल खुश हो जाता है। आप कहेंगे ये इतना सारा धनिया हम क्या करने लगे हैं, तो हम बताने लगे हैं ये धनिया है, इसको देखते ही हमारा दिल आ गया इस पर। तो हम आपको बताएंगे ये धनिया हम कैसे इतने प्यारे धनिए को एक हफ्ते दो हफ्ते तक ऐसे ही रखें। तो जब हम धनिया लेके आते हैं तो इसको ज़रा भी नहीं धोते, इसको पानी नहीं लगाते, इसको वॉश नहीं करते, कुछ नहीं करते। सिंपल हम इसको करते हैं ऐसे करके, इसमें से जो है आपको लगे ये गला हुआ है ये हटा दें, पीला वाला भी हटा दें, इसने ख़राब करना इसको। गर्मियों में सबसे ज़्यादा हम धनिया को तरसते हैं, कहीं से भी नहीं मिलता है। इवन ये कि हमारे गमलों में भी ख़त्म हो जाता है। हम जो अपने किचन गार्डन में लगाते हैं वहाँ से जो थोड़ा बहुत निकलता है वो भी परिंदे खा लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, चले परिंदों को भी तो ज़रूरत है हमसे ज़्यादा, पता नहीं हमें नहीं मालूम हमें ज़्यादा ज़रूरत है या परिंदों को, लेकिन हम कहते हैं चले परिंदे भी खा लें, उनको भी ज़रूरत है। हम तो फ्रेश जूस पी लेते हैं और इस किस्म की चीज़ें, ठंडा पानी, फ्रेश जूस, इससे हम ठंडक हासिल कर लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। परिंदों को इसी चीज़ से फ्रेशनेस हासिल करनी होती है तो हम फिर वो चीज़ें परिंदों के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें जी इस तरह का निकाल लें आप और इसको साफ कर लें। आपको क्या लगा था हम इनको ज़ाया कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, इनको ऐसे पकड़ें। बारीक बारीक चॉप करें, मोटी डंडियां हमने निकाली हैं और ये बारीक जो इसकी टहनियां थी इसको हमने बारीक बारीक चॉप करना है। हाथ बचा लें अपने। जब हमारी अम्मियाँ किचन में काम करती थी ना, उनको इतनी ज़्यादा सहूलियात मैसर नहीं थी। हम टिशू पेपर लगाते हैं, उन्होंने लगाना था मलमल का कपड़ा या कोई दस्ताखान, सूती दस्ताखान, और उसमें उन्होंने लपेट के रख देना, तो वो इतना इजी था उनका, हर चीज़ को उन्होंने बहुत इजी बनाया हुआ था। अब हमारे हैं टशन, हमने टिशू पेपर लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो जनाब ये देखिए इसको इसमें डालें, इस कदर खूबसूरत धनिया, इतनी खूबसूरत धनिया में से मज़े की खुशबू आ रही है। और एक बहुत जुल्म है इसके ऊपर के छुरी चलाना एक प्यारी सी चीज़ पे, लेकिन हमारे बड़ों ने सिखाया हमें कि धनिया के बगैर तो हांडी मुकम्मल नहीं है जनाब। और हमने एक वीडियो में जिक्र भी किया था अपनी सास का, अल्लाह ताला ने करवट करवट जन्नत नसीब करे। करवट करवट जन्नत का ये मतलब होता है कि वो करवट करवट जिधर भी करवट ले उधर उधर उन्हें जन्नत की खिड़की मिले। वो तो धनिए के बगैर जनाब खाना पकाना, हांडी उनकी मुकम्मल नहीं होती थी। गर्मी में तो मुश्किल हो जाता था धनिया ढूँढना, और मुझे बचपन में धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अम्मी कहती थी जाओ किचन में जाओ, ज़रा खाना तैयार है उसमें गार्निश कर दो धनिए की। मैं हमेशा धनिया नहीं डालती थी और वो अम्मी को बाद में मिलता था इधर उधर से वो सूखा हुआ। अम्मी मुझे बहुत नाराज़ होती थी। और जब मैं आई ससुराल तो अपनी सास को धनिए का लवर, वो है दीवाना। मेरी सास माशाल्लाह इतनी धनिए की दीवानी, बहुत ज़्यादा। तो फिर उनकी वजह से अम्मी को तो डॉज देते थे हम धनिए के लिए कि धनिया नहीं डालना, लेकिन भाई सास को नहीं कह सकते थे। उनके साथ साथ फिर हमने अपने आप को धनिए की आदत डाली। तो ये है हमारी धनिए की स्टोरी।
स्टोरी के साथ साथ हमने किया धनिया सेव, स्टोरी के साथ साथ किया धनिया को स्टोर। ये हो गया है हमारा सेव। अगर हम इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, इसको जितना हमें ज़रूरत है इसको निकालें, इसको वॉश करें और हम इसको खाने में शामिल कर लें, तो ये हमारा 2 हफ्ते तक बिल्कुल इजी चल जाएगा। अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो 2 दिन में भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा वेस्ट है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम अपने परिंदों को डालेंगे। आपको पता है हमारे पास परिंदे हैं केज में, ये उनको बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये भी हम, आपको पता है यूनिक मामा कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती हैं, ये हमारे परिंदों के काम आ जाएगा और ये हमारे दरिंदों के काम आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह आप हमारी वीडियो देखें, उसे सीखें और हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।